दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं, आज फिर एहतसाब अदालत के बाहर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एहतसाबी अमल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। उनका कहना था कि आज एक एक करके हकायक सामने आए हैं, स्टार गवाह और चीफ गवाह को आज सबने देख लिया, वाजिद जिया ने हमें सुरखरू किया है, हमारे खिलाफ इल्जाम आज धो दिए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि अल्लाह के फजल से भागने वाले नहीं है, हमारे खिलाफ मुकदमा बदनवानी का नहीं है, हमारे खिलाफ फ्रॉड हो रहा है। इस मुकदमे में अगर सजा नहीं बनती तो टेक्ना में मेरा नाम डाल दें। आज देखा आपने जो जो गवाह भुगता है, जो जिसको कहते हैं कि ये स्टार था, अपना क्या कहते हैं उसको, विटनेस, स्टार विटनेस था, चीफ विटनेस था ये। जिस तरह से आज सारी बातें एक एक करके फैक्ट्स सामने आए हैं, हम अल्लाह के फजल करम से भागने वाले नहीं हैं और ना कोई हमने कभी ऐसा कभी सोचा है, वरना मैं क्यों आता इस मुकदमे के लिए बाहर। मेरी वाइफ जो है वो बीमार है, उन्होंने एक एक करके जो ना वो जो है वो अपने जो कुछ भी इल्ज़ाम थे उनको बिल्कुल धो दिया है जो हमारे खिलाफ थे, और बल्कि हमारे वकील सफाई ने धुलवाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुकदमा बदउनवानी का नहीं है, ये एक सियासी नहीं बल्कि एक फ्रॉड है ये केस, और ये फ्रॉड मेरे साथ हो रहा है।